dear students, once again welcome to my channel Quarishal. I am your educator Saran Singh and today I will teach you one word. Student, आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे आपकी वन वर्ड के बारे में जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपकी नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं उनमें भी आपके पूछे जाएंगे. तो वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके. और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको डेली करेंट अफेयर वॉकैप और अदर जो आपके नॉलेजेबल जो PDFs हैं वो सब आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं. उसका जो लिंक है वो स्टूडेंट मैं आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की क्लास को. आज की जो क्लास है उसका फर्स्ट वन वर्ड आपका सुप्रीम लॉ मेकिंग असेंबली. तो सुप्रीम क्या होता है? सबसे ऊपर लॉ मीन्स कानून होता है, मेकिंग मीन्स बनाया जाता है, असेंबली बोलते हैं स्टूडेंट आपको. एक सभा होती है, एक सुप्रीम यानी सबसे ऊपर जो होती है जहाँ पर आपके क्या है कानून बनाया जाता है उसको बोला जाता है आपको पार्लियामेंट, यानी उसको हम संसद कहते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आपका वर्ड्स अलाइक इन साउंड वर डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, यानी कुछ आपके वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट लाइक मतलब इनका साउंड क्या है एक जैसा आपको सुनाई देगा, बट क्या उनकी जो मीनिंग है और जो उनका स्पेलिंग है वो आपका अलग अलग यानी डिफरेंट होता है, उसको बोला जाता है आपका पैरानोम. यानी इनमें क्या है मतलब जो आवाज़ है साउंड का एक जैसा होता है लेकिन उनका जो अर्थ है वो आपका क्या है अलग अलग होते हैं. जैसे सनम्स बोलते हैं ना, आपका सैनम होता है उसको सैनम्स बोलते हैं. नेक्स्ट आपका वन हु मेक इस साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज, ये क्या होता है स्टूडेंट मतलब किसी भी लैंग्वेज का क्या उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, या हम बोलें इसको बहुत सारी लैंग्वेज आती हूँ ठीक है, उसको बोला जाता है आपका लैंग्वेस्ट. यानी लैंग्वेज से बना आपका लॉइन और वेस्ट मीन्स अनेक भाषाओं का जिसको ज्ञान हो, जिसको जो आपका दो भाषाओं का ज्ञान होता है उसको स्टूडेंट आपका वाइनगल बोलते हैं. नेक्स्ट आपका एक पर्सन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल्स, जो क्या स्टूडेंट वो साग सब्जी खाता है ठीक है, वो मतलब क्या आपका मांस नहीं खाता तो उसको क्या बोलते हैं वेजिटेरियन, यानी उसको हम आपका शाकाहारी बोलते हैं. नेक्स्ट ए पर्सन हु ईट्स वेजिटेबल एंड मीट, यानी कोई व्यक्ति क्या स्टूडेंट वो वेजिटेबल्स एंड जो मांस होता है उसको खाता है तो उसको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन, यानी उसको हम आपका मांसाहारी कहते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आपका वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सबसे पावरफुल होता है उसको बोला जाता है ओमनीपोटेंट. ओमनी मीन्स होता है स्टूडेंट ये मतलब ऑल एंड वन, यानी ओमनी मीन्स क्या होता है ऑल एंड वन यानी सबसे बेस्ट होता है आपका ठीक है. पोटेंट मीन्स क्या होता है पावर के लिए यूज करते हैं, तो ओमनीपोटेंट मीन्स क्या हो गया सर्वशक्तिमान. नेक्स्ट है वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, तो ओमनी मीन्स क्या है सब जगह या बोले हम सबसे अधिक, तो और प्रेजेंट मीन्स क्या होता है उपस्थित होना, तो ओमनी प्रेजेंट मीन्स क्या हो गया सर्व, यानी वो सर्व सभी जगह पर यानी सर व्यापक हो जाता है उसको. नेक्स्ट है वन हु नो एवरीथिंग, यानी कोई अगर जानता है मतलब ना मतलब किसी चीज़ को जानना वो क्या होता है साइंस बोलते हैं, तो ओमनीसेंट मीन्स क्या हो गया त्रिकालदर्शी, यानी जिसको सब नॉलेज पता हो. नेक्स्ट है वन हु बिलीव इन वन सेल्फ, यानी कोई व्यक्ति है खुद पे केवल उसको खुद पे भरोसा है, मतलब किसी दूसरे को कोई भरोसा नहीं होता. वन सेल्फ मीन्स क्या खुद पे, तो उसको बोलते हैं एगोस्टिक, ईगोस्टिक यानी आत्मवासी बोल सकते हो उसको, हम ब्रह्मवादी बोल सकते हैं. एक जैसे बोलते हैं ना ईगो, इतने में तो बहुत ही हो गया, यानी तू खुद की सुनता है किसी दूसरे की सुनता नहीं, मतलब तेरे सामने कोई दूसरा कुछ है नहीं, तो ऐसे ही इगोइस्टिक मीन्स क्या होता है जो खुद पर भरोसा करता है. नेक्स्ट है वन हु वेस्ट मनी फॉर लग्जरी, यानी कोई व्यक्ति क्या है मतलब पैसे को बर्बाद करता है किसी चीज़ लिए, मतलब एक्स्ट्रा पेजेंट यानी बेफजूल के जो खर्चे होते हैं ना, यानी खर्चीले स्वभाव के जो होते हैं उनको बोला जाता है एक्स्ट्रा पे. नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म ब्लेड वन इज आउटसाइड वेल ई बिल्डिंग, मतलब प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है मतलब जो आपकी जो घर होता है मकान होता है, तो उस मकान में क्या आउटसाइड में कुछ बिल्डिंग बाहर निकाली जाती है जिसको क्या बोलते हैं हम वॉलकनी बोलते हैं, यानी इसको हम बरामदा बोलते हैं. नेक्स्ट आपका वन हु एवर्डन हिज रिलीजियन फेथ, यानी कोई व्यक्ति क्या है वन हु एवर्डन हिज क्या होता है रोकना या स्टॉप करना ठीक है, किससे रिलीजियसन यानी जो धार्मिक विश्वास है वो उससे मतलब दूर रहता है, तो उसको बोला जाता है एपोस्टेट यानी सर्वधर्म या बोल सकते हैं आप उसको त्यागी, जिसको मतलब विश्वास ही नहीं है धर्म वगैरह में, तो उसको बोला जाता है एपोस्टेट. नेक्स्ट पर्सन हु हैज़ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यानी कोई व्यक्ति है जिसको क्या स्टूडेंट किसी भी क्षेत्र का यानी किसी भी वर्क मान लो अगर कोई टीचर है उसको मतलब पढ़ाने का अनुभव है, अगर कोई खाना बनाना जानता है कुकिंग है ठीक है तो उसको खाना बनाने का है, अगर कोई मतलब सोल्जर है तो उसको लड़ाई करने का, तो मतलब क्या है अपने किसी भी फील्ड में क्या है वो एक्सपर्ट होता है ठीक है, तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट
वेटरन यानी बीटर, जैसे बोलते हैं ना बीटर, उसी से बना आपका ये वेटरन यानी अनुभवी व्यक्ति जिसको किसी भी फील्ड की है नॉलेज होती है। नेक्स्ट इज चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ इट्स फादर, यानी कोई बच्चा स्टूडेंट वो क्या है अपने पिता की मृत्यु के बाद जो जन्म लेता है उसको बोलते हैं आपका पैथोमस पोस्थोमस। नेक्स्ट है एन एनिमल विच गिव्स मिल्क स्कल्स इट्स यंग वन, ठीक है उसको बोलते हैं स्टूडेंट नाम ममल्स यानी स्तनपाई बोला जाता है। वो क्या होता है अपने बच्चों को क्या दूध देता है तो उसको मतलब दूध पिलाता है तो उसको बोल लेते हैं ममल्स यानी स्तनपाई। नेक्स्ट एनिमल विच लिव इन वाटर यानी पानी में रहने वाले जीव होते हैं उनको बोला जाता है आपका स्टूडेंट एक्वाटिक। नेक्स्ट वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, जो वर्ड क्या है सेम मीनिंग होते हैं उनको बोला जाता है पर्यायवाची बोल सकते हैं उनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। अभी आपका एक वन वर्ड करा था इसमें क्या था सेम साउंड था बट डिफरेंट मीनिंग थी तो उसको क्या बोलते थे स्टूडेंट पैरानम बोला जाता है स्टूडेंट, जिसके क्या है मीनिंग साउंड एक होता था लेकिन मीनिंग अलग होती थी उसको बोले थे हम पैरानम। लेकिन यहाँ अब इसमें क्या है वर्ड सिमिलर इन मीनिंग मतलब एक जैसी मीनिंग होती है उसको बोला जाता है आपका सिनोनिम्स। नेक्स्ट असेंबली ऑफ लिसनर्स यानी जो सुनने वालों की जो क्या है एक मतलब हम बात करें सभा होती है उसको बोलते हैं ऑडियंस यानी उसको हम आपका श्रोतागण बोला जाता है। नेक्स्ट है बगेज ऑफ ए ट्रेवल यानी जो यात्री है उसका जो सामान होता है उसको बोलते हैं इसमें नाम आपका लगेज बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है प्लेस वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर कीप्ड उसको बोलते हैं इसमें नाम एक्वेरियम यानी जलीय जीव यानी इसमें क्या होता है मतलब टैंक वगैरह होता है जिसमें क्या है जो आपके पानी के जो प्लांट्स वगैरह हैं जो आपकी मछली वगैरह हैं उनको उसमें रखा जाता है तो उसको हम आपका एक्वेरियम बोलते हैं। नेक्स्ट ए फोर स्ट्रेंथ मस्ट इज इंस्ट्रूमेंट ये सॉरी ए फोर स्ट्रेंथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये इसे बोलते हैं स्टूडेंट आपका वायलिनिस्ट यानी उसको सारंगी बोलते हैं। ये क्या होता है जैसे गिटार होता है ना उसमें क्या है तीन चार मतलब तार लगे होते हैं उसको बजाया जाता है गिटार की तरह होता है उसको हम आपका सारंगी बोले जाते हैं। नेक्स्ट ए एरिया ऑफ लैंड प्लानेट विथ ग्राफिस उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका वाइन गार्ड ये क्या होता है अंगूर की खेती जहाँ पर की जाती है उसको बोला जाता है आपका वाइन गार्ड तो उसको बोलते हैं हम आपका वाइन गार्ड जहाँ पर क्या है आपका स्टूडेंट अंगूर का मतलब बाग बगीचे जो लगाए जाते हैं उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है मैन और वुमेन हु हैज़ नॉट सेक्सुअल एक्सपीरियंस इसका मीन्स होता है स्टूडेंट कोई भी औरत या मतलब आदमी औरत होता है क्या उसको सेक्सुअल यानी सेक्स के बारे में जो साइकिल उसके बारे में उसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता तो उसको स्टूडेंट आपका हम वर्जिन बोलते हैं या उसको हम कुमार या आपका कुमारी बोला जाता है। नेक्स्ट पर्सन हु हेल्प इन ए यंग किड और ए क्राइम मतलब कोई अगर व्यक्ति मान लीजिए कोई भी क्राइम कर रहा होता है कोई भी गलत काम कर रहा होता है तो उसको बोल लेते हैं आपका हम एक्वम प्लेस यानी सह अपराधी। नेक्स्ट समथिंग दैट हैपन विदाउट ए कॉज मतलब किसी बिना कारण के जो हो जाता है उसको हम एक्सीडेंट बोलते हैं यानी कि जो एक्सीडेंट होता है कि उसमें पता थोड़ी होता है कि वो एक्सीडेंट हो अचानक हो जाता है तो मतलब कोई भी कारण नहीं होता और अचानक ही वो आपको हो जाता है तो उसको हम एक्सीडेंट बोलते हैं यानी उसको हम दुर्घटना बोले जाते हैं। नेक्स्ट ए पर्सन हुज प्रोफेशन टू की अकाउंट्स कोई व्यक्ति है जो क्या है आपका अकाउंट्स जो खाते होते हैं उनको मैंसन करता है तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका अकाउंटेंट यानी उसको मुनीम बोल सकते हो आप उसको लेखाकार ये तो लेखाकार तो आपने बैंक वगैरह में जाते वहाँ भी लिखा होता है। नेक्स्ट है एन एंगल लेस देन ए राइट एंगल मतलब उसको बोला जाता है एक्वाट एंगल मतलब न्यून कोण बोला जाता है जो आपके 90 से कम का होता है। नेक्स्ट है सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पुट टुगेदर फॉर ए पर्पज इसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका एपोटस इसमें हो गया कि जो इसको मिस्त्री वगैरह होता है जो रिपेयर करता है आपकी बाइक वगैरह तो उसके जो उपकरण होते हैं उनको एक जगह रख दिया जाता है तो उसको बोला जाता है आपका स्टूडेंट आपका अपॉटेस यानी उसको हम अपकरण बोलते हैं। नेक्स्ट लीगल रिटर्न स्टेटमेंट उसको बोलते हैं आपका एफिडेविट यानी उसको हम शपथ पत्र बोलते हैं कोई व्यक्ति काम करता है तो जैसे आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हो तो आपका या आप किसी को प्रॉपर्टी बेच रहे होते हैं तो उसमें क्या है कि आप कोई भी कोर्ट कचहरी से जो काम करते हैं वहाँ पर ही आपका एफिडेविट लगाया जाता है। नेक्स्ट ग्राउंड फॉर द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ एरोप्लेन्स एक मैदान जहाँ पर आपके जो जहाज हवाई जहाज हैं जो आते ही और वहाँ से मतलब आते हैं और जाते हैं उसको बोला जाता है आपका एरोड्रोम यानी हवाई अड्डा। नेक्स्ट है वन हु इज एंगेज्ड इन हस्बेंड्री मतलब क्या है उसको बोलते हैं मतलब किसान बोलते हैं आपका एग्रीकल्चर यानी कि
हस्बेंड्री क्या होता है, मतलब जो किसान होता है, जो खेती बाड़ी करता है, ठीक है, उसको बोला जाता है आपका एग्रीकल्चरिस्ट, यानी खेतार, या उसको हम आपका किसान बोल सकते हैं। नेक्स्ट है वन हु ड्राइव एन एरोप्लेन, यानी कि व्यक्ति है जो आपके एरोप्लेन उड़ाता है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका हम पायलट बोल सकते हैं, आप उसको एरोनॉट बोल सकते हो, सेम एक ही मतलब होता है। तो स्टूडेंट आज की क्लास तो यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.